भाई कौन डिवाइन कौन एमसी स्क्वायर, किसको चाहिए हनी सिंह का कमबैक? जो अपने पास पहले ही हनी सिंह रिप्लेसमेंट है। ये हनी सिंह का मैं फैन हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी टक्कर पे मैं जाऊंगा, ये हनी सिंह की टक्कर पे मैं जाके दिखाऊंगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी बराबरी करके दिखाऊंगा, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी उनकी बराबरी पे जाऊंगा, ये हनी सिंह। अबे ओ हनी सिंह के घुंघरालू बाल, हनी सिंह का गाना गा रहा है या रैप कर रहा है? वही रैप जिसकी खबर अखबार में आती है, किशोरी के साथ हुआ रैप, ये देखने के बाद तो हनी सिंह भी सोचेगा जी हाँ सर ये रेप मेरी हुई थी। और सोचो कि तुम खेत में हगने जाओ और वहाँ ये देसी खेत में मैं आया हूँ, मैं खेत को मैं खाद डाल के जाऊंगा, मैं सांझ लो मैं है खेत में मैं काम करूंगा, सांझ को मैं घर पे जाऊंगा, मैं देसी रोटी खाऊंगा, मैं देसी रोटी घी से खाऊ के सुबह को उठ के मैं फिर खेत में आऊंगा, मैं खेत में मैं दिन रात मेहनत करके मैं अपनी खुद की धोने से पहले इसको धोएगा, ऐसी रैप करने वाले ही आगे जाके टोनी कक्कर बनते हैं। इसकी रैप में राइमिंग का उतना ही लेना देना है जितना टोनी कक्कर के गानों में सुर का। हाँ जी सुनाइए, स्वागत है आपका। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अंडरग्राउंड से भी अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में, जिन्हें अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए था, बाहर आकर इन लोगों ने पब्लिक का इतना जीना हराम कर दिया है जितना हनी सिंह के फैंस ने बादशाह का नहीं किया होगा। रैप रैप बोलते हैं, ये रैप नहीं बनता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, पेपर लेके उसको लिखना पड़ता है, ये जब रैप बनता है, मेहनत करते हैं जबी तो रैप बनता है, दिमाग लगाते हैं रैप बनता है, जब रैप बनता है तो जबी तो रैप मैं गाता हूँ, कैमरा खोल कर मैं रैप गाता हूँ, ये रैप नहीं बनता, इसके लिए मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, ये सोचना पड़ता है, ये कब सोचना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। अरे भैया मत कर इतनी मेहनत, अबे गाली खाने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है, पहली बार किसी को गाली खाने के लिए इतनी मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। अगर तू इस रैप को भी लिखने के बाद गा रहा है तो तू मुंबई आ रहा है पैदल नंगे पैर, लोग रैप में माँ बहन करते हैं, इसने रैप की माँ बहन कर दी। ऐसा मेरा घर है, दो वक्त खाना खाता हूँ, सुबह सांझ काम करता हूँ, सुबह सांझ काम करता रहता हूँ, मैं सुबह सांझ काम करता रहता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह सांझ काम करता हूँ, दो वक्त खाना खाता हूँ, मैं काम पूरे दिन करता हूँ, दिन रात पढ़ाई चल रही है। अबे यो डिवाइन के गुप्तांग, ये रैप के नाम पे अपनी दिनचर्या क्या बता रहा है? मेरी इसके घर वालों से एक दरखास्त है भाई, इस बेचारे से इतना काम मत कराओ, इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है, काम के अलावा इसे और कुछ याद ही नहीं आ रहा है, भरी दोपहरी में गेहूं कटवा लिए थे क्या इससे? भाई मेरे को इससे एक बार फेस टू फेस मिलना है, मुंह पे गाली देना चाहता हूं भाई इसको। मैं गाना गाता हूं और गाना ही गाता रहूंगा, चाहे मेरा गाना बिल्कुल ना चले फिर भी मैं गाता रहूंगा, क्यों क्यों, मुझे विश्वास है एक दिन ट्रेनिंग में गाना चलेगा, एक दिन ट्रेनिंग में गाना ही चलेगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक दिन चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत करता हूँ तो एक दिन ट्रेनिंग में गाना चलेगा, चलना चाहिए चलेगा ही, गाना गाता हूँ कि मज़ा आ जाता है, गाना गाते गाते मुझे बड़ा मजा आता है, गाना गाता ही रहूंगा, गाना गाता ही रहूंगा। अबे कोई इसको 300 में अंदर क्यों नहीं कराता, जब तक ये दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म नहीं कर देगा, इसकी मेहनत नहीं रुकने वाली, इसका रैप कोई सुने ना सुने पर इसका रैप जरूर कर देगा, फिर अगले दिन अखबार में खबर आएगी किशोर के साथ हुआ रैप। गाने तो कम बहुत कम गाते हैं और रैपिंग ज्यादा करते हैं। सोचो कि तुम रात को अकेले में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और तभी पड़ोसी का बच्चा साला, जिस गंडासी की तू बात कर रहा है ना वही गंडासी तेरे पिछवाड़े में मार दी जाएगी, फिर सच्ची में करेगा। यही है भाई असली एनिमल, इसको देखकर लग रहा है कि अभी 4 बच्चों को सटक के आया है। वैसे तुम्हें पता है स्टिंग पीने वाले लड़के कैसे होते हैं? तेरी ऐसे ही होते हैं स्टिंग पीने वाले लौंडे, ऐसे ही होते हैं स्नैपचैट चलाने वाले लौंडे, ऐसे ही होते हैं छोटी एडवांस पीने वाले लौंडे। ओ मैं तो डुप चिक पक लुटपुट गया। अबे JBL के फटे स्पीकर, लुटना नहीं चाहिए था, तुझे तो किडनैप हो जाना चाहिए था। भाई ऐसे ऐसे गाने और रैप सुन के मेरी तो बुद्धि हैंग हो गई है, मूड फ्रेश करने के लिए सारी बारी सुननी पड़ेगी। जिंदगी में तू कभी याद किया है, मैं मर के भी देखूं तो तुम्हें याद किया है तो तुम्हें पता लग जाएगा, तो मैंने याद किया है जट साहब ने, तो मैं तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम्हें याद किया। अरे चचा लग गया पता, किसको याद किया है, किसने याद किया है, क्यों याद किया है, इतना तो याद भी नहीं किया जितना तूने याद दिला दिया है। चचा ये तो पल्ले नहीं पड़ा, कुछ और अच्छा सा सुना दे। अरे हम दम मेरे मुझसे ना चलना नहीं आया, मेरे दम हम से नहीं चलना नहीं आया, तो हम मेरे अपने मिसाल हैं, तेरे अपने नहीं मिसाल, मेरे अपने दिलदार हैं, तेरे दिलदार से नहीं चलना नहीं आया। अरे ओ बफरिंग चचा, तुझे चलना नहीं आया हमें कुछ समझ नहीं आया, तेरा सिस्टम अभी भी 3G है क्या भाई? एक बार को राहुल गांधी की बातें पल्ले पड़ सकती हैं, एक बार को तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे जोक्स पल्ले पड़ सकते हैं, पर इसकी बातें पल्ले नहीं पड़ने वाली, किसी और को चांस देना पड़ेगा। कहा था मुझे ना छोड़े के जाना कब,
भी फिर क्यों पलटे, वो अलग पर बुरा तो नहीं इल्जाम लगे। इल्जाम? तुझ पे इल्जाम किसने लगा दिया? तुझ पे तो कत्ल का चार्ज लगना चाहिए। सिंगिंग का कत्ल किया अभी तूने। एक बार को लोग हार्दिक पांड्या को माफ कर सकते हैं, एक बार को मोदी जी कुणाल कामरा को माफ कर सकते हैं, एक बार को एलविस यादव ध्रुव राठी से कोलैब कर सकता है, पर इसके इस पाप के लिए इसको जनता माफ नहीं करेगी। मैं सारी पब्लिक से कहता हूँ कि आप लोगों को मेरा गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं लिखता हूँ। अच्छा भाई, सुना तू भी अपना रेप सुना? और तूने उससे क्या कहा कि वो खफा हो गई, तुझसे कहती थी मोहब्बत भी तेरे खिलाफ की वो गवाह हो गई, तूने इस कदर की बेवफाई करके उसका दिल तोड़ा, तुझसे कहती थी प्यास में भी साथ क्यों चला, तुझसे दूर वो जा रही, तुझे ना वो चाह रही, तुझसे दूर वो जा रही, तुझे ना वो चाह रही, तेरे बुलाने पे भी देखो पास समझा दिया, अब ऐसा में तेरा नाम हो गया, तेरा यार बदनाम सुबह शाम हो गए। हैं? अबे ओ एमिनम के पोते, ये मुंह के अंदर शब्दों को घोलने को तू रैप कहता है? ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। हां, रैपर नहीं दीवाना है तू। नाम मेरा जोजो, काम मेरा खोखो, लोगों को मैं करता रोस्ट क्योंकि मैं हूं रोस्टर। खाते पीते नाते धोते हगते हां ही गाने तो कम बहुत कम गाते हैं और रेपिंग ज्यादा करते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मैं तो रैपर बन गया भाई, अगर तुम्हें भी बनना है तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि मेरा रैप कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।